स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल की छोटी झील में नौका तिरंगा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 40 नावों में तिरंगा झंडा लगाकर छोटे तालाब में भ्रमण किया गया। यहां बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां युवाओं के हाथ में तिरंगा था। आयोजक कृष्णा गाड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान हर घर तिरंगा के मद्देनजर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। गाड़गे ने कहा, ऐसा आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस आयोजन में देश को आगे बढ़ाने की सोच को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, उसको हम इस देश के 140 करोड़ लोग हमेशा याद रखेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। तिरंगा हमारे मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है और तिरंगा ही हमारी जान है। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज भोपाल में छोटी झील में आयोजित जो है प्रगतिशील मत्स्य समिति द्वारा आयोजित नौका तिरंगा यात्रा, जो कि पहली बार देखने को मिली है, एक अनूठी तिरंगा यात्रा जिसमें लगभग 30 से 40 नौका के ऊपर तिरंगा बंधे हुए थे और सब हमारे देशभक्त उसमें बैठे हुए थे और पूरे छोटे तालाब में लगभग 4 किलोमीटर का एक राउंड लगाकर एक बहुत व्यवस्थित यहाँ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब सभी देशवासियों को हम जो 140 करोड़ जनता है इस देश की, उसको आपके माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आयोजनकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसा शानदार आयोजन, जो एक रोचक आयोजन इन्होंने किया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 77वीं स्वतंत्रता दिवस पे हम एक प्रण भी लेते हैं, इस देश ये प्रगति करते हुए जैसे आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी की सरकार में, हमारा भारत लगातार उन्नति कर रहा है। 10वें पायदान से आज विश्व में 5वें पायदान पर हमारा भारत आ गया है, उन्नतिशील है। उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।